अस्सलाम वालेकुम आशिम, क्या हाल चाल हैं यार? ये सवाल पूछना ज़रूरी भी है और मैं रोज़ पूछता हूँ तुमसे ये सवाल। बट ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का बहुत बड़ा मकसद है और वो ये मकसद है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए कितने कीमती थे, कितने कीमती हो और कितने कीमती रहोगे। तुम्हारे साथ कोई बहुत लंबा अरसा हमारा नहीं गुजरा, बहुत थोड़ा वक्त था, बहुत शॉर्ट टाइम था जिसमें तुमने इतने एक्टिवली हमारा साथ काम किया, मेरे साथ खासकर, और तुमने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले किया, चाहे वो जेफ एकेडमी हो, चाहे पीसीए हो, चाहे कोई भी और इनिशिएटिव हो। पिछले साल हमने बहुत काम किया है पीसीए में एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन जिसके साथ मैंने काम किया, और वाइस प्रेसिडेंट तुम बनाए गए थे और बनाए गए हो तुम हमारे लिए। तुमने ज़िंदगी में जो भी रोल प्ले किया है, 23-24 साल की तुम्हारी ज़िंदगी अभी तक बहुत कीमती रही है, हज़ारों लोग इंस्पायर होते थे तुमसे और होते हैं और होते रहेंगे। तो मेरा ये वीडियो का मकसद अपनी टीम के साथ बनाने का सिर्फ ये है कि पीसीए मिसेस यू, पीसीए रिकॉग्नाइजेस एवरी एंड स्मॉलेस्ट एफर्ट यू हैव पुट सो फार, चाहे वो फंड रेजिंग के मामले में हो, चाहे प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में हो, चाहे इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से हो। मैं अपने आप, यू वर एंड यू आर द राइट हैंड ऑफ मी, मैं आज बहुत मिस करता हूँ तुम्हें, खासतौर पर जब मुझे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम रन करना है, जब मुझे सारे रमज़ान के लिए फंड्स इकट्ठे करने हैं, जब मुझे उसकी पैकिंग के लिए लोगों को इकट्ठा करना है। एंड आई मिस यू अ लॉट, एंड ये मैं सब बातें अपने दिल से कह रहा हूँ। मेरे बाकी टीम मेट्स ने जो कि ऑफिस में मौजूद हैं, उन सब ने भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई बात की है। द डे जब से तुम बीमार हो, हमारे लिए बहुत तकलीफ दह अमल है, हम रोते हैं बैठ के, हम सोचते हैं, हम दुआएँ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही है कि ये जंग जो तुम लड़ रहे हो, ये तुमने जीतनी है अपनी मेहनत से, अपनी विल पावर से, और इंशाल्लाह पूरी मुझे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि तुम इसको जीतोगे और जल्द वापस आओगे और इसी तरीके से इस दुनिया की मैं लोगों की खिदमत करते रहोगे, क्योंकि तुमसे ऐसा प्यारा इंसान मैंने अभी तक ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। जो नेटवर्क, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ तुम्हारे पास मौजूद है, मैंने नहीं देखी। सो प्लीज़ अपनी हिम्मत नहीं कभी हारनी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, सब कुछ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। सो इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, गिव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, आई मस्ट से कि मुझे तुम्हें मुस्कुराते देखना है। परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, और ये जंग तुम भी जीतोगे और ये जंग हम भी जीतेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हाशिम, कैसे हो? आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं यहाँ पे पीसीए में, ख़ासतौर पे जिस तरह से तुम अपने वैल्यूएबल सजेशन देते थे, वो ख़ासतौर पे क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो वो सारी चीज़ें याद जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा हम तुम्हें मिस करते हैं। सो वी वांट टू बैक हियर, वी वांट यू टू फाइट दिस डिजीज़ और कम बैक स्ट्रॉन्गर। की स्माइलिंग। अस्सलाम वालेकुम। सो हाशिम, तुम्हारा नाम सुन के एक तो फिनोमिनल गुरु वाली जिसे कहते हैं फॉरेन माइंड में फ्लैश बैक होता है, द वन जिसे स्टार की कॉपी कह लें। और सेकेंडली अगेन, जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है ना रमज़ान का और सारी चीज़ें, वो सारा जो इवन रमज़ान के साथ साथ वाई एफ में हमने जो कोऑर्डिनेशन के भी काम इकट्ठे किए हैं, तो आपकी मिसिंग है हर जगह पर आप। बाकी ये कि हम चाहते हैं कि आप फाइट बैक करें और जल्दी से वापस आए, हमें ज्वाइन करें, क्योंकि जो मेजर मिसिंग वाला पार्ट आ रहा है तो हम उसको ज़रा फुलफिल करें, strongly fight back है। और secondly, जो basic part था last year as we celebrated 27th February इकट्ठे, तो इस दफ़ा किसी ने भी hat बना के चार्ट पेपर की कांचा करेक्टर फीलिंग करवाया मुझे, तो bro we are missing you back, so come back soon। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे पता है कि सब में से ये चार में सिर्फ मैं ही होंगी जिससे आपको कोई मैसेज नहीं किया या कुछ भी कह के मोटिवेट नहीं किया। मे भी मुझे लगता है कि मैं उस तरह से मोटिवेट नहीं कर सकती जैसे बाकी लोग आपको कर सकते हैं, या वो सब कह नहीं सकती जो मुझे कहना चाहिए। पर ऑब्वियसली जैसे दिल भाई या साथ भाई, जैसे दिल भाई और साथ भाई मेरे भाई हैं, इसी तरह से आप भी मेरे भाइयों की तरह ही हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी बड़ी बीमारी से जो है वो फाइट करें, और हम आपको हर मौके पे मिस करते हैं, हर इवेंट पे मिस करते हैं। मेरी दुआएं हमेशा पहले भी आपके साथ थी और अभी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिम, उम्मीद करता हूँ आप अभी भी जो है इस अपने कैंसर से जो फाइट कर रहे होंगे, और लास्ट टाइम जो हमारी मुलाकात हुई उसके लिए डिप्रेसिंग थी,
लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर नमाज के बाद आपके लिए लाजमी दुआ दुआ करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम दोबारा से आप ठीक होके इधर आएँगे, किसी को ज्वाइन करेंगे और हम फिर साथ दोबारा वर्किंग करेंगे, और मेरे घर वालों की दुआएं, मेरे दोस्तों की दुआएं सब आपके साथ हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपको वापस इस ऑफिस में देखना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। हाशिम मेरी दुआ है कि तुम खैर खैरे से वापस आओ, इंशाल्लाह तुम वापस आओगे। ऑल दी बेस्ट। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ये एक वो गाना है जो हम सबको बड़ा पसंद है, और मैं हमेशा सोचता था जब ये गाना मैंने सुना देखा कि यार कोई ऐसा इंसान क्या ज़िंदगी में हो सकता है जिसके ऊपर एक गाना फिट बैठे, जिसको हमको तो राहें ही चलाती, वो अपनी राहें खुद ढूंढता था और गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। ये जो सारे लिरिक्स हैं बेसिकली वो इसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि एक ऐसे इंसान को बताते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो और वो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी हो। एंड आई हैड नो आइडिया कि आशिम ये गाना तुम पर कितना फिट बैठता था और बैठता है। यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तुम फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ मोटिवेशन थे, और हमें तुम्हारे आने से PCA में जितना फ़ायदा हुआ, जितनी तुमने वैल्यू एडिशन किया है, बहुत कम लोगों ने किया है। सो बीइंग अ फाउंडर एंड द CEO ऑफ पाकिस्तान सिटीजन्स अलायंस, मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, हमने फैसला किया कि हम तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे तुम्हारी सर्विसेज के लिए, तुमने कम्युनिटी के लिए दी, खास करके बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान सिटीजन्स अलायंस तुम्हें दी हैं। अभी हमने तुम्हारे नाम से, क्योंकि तुम हमारा प्राइड हो, तुम हमारा फ़ख्र हो, तुम हमारी सबसे कीमती टीम मेट हो, तो हमने तुम्हारे नाम पर एक हैंडपम्प सिंह के गांव के एरियाज़ में, जाकरबाद के गांव के एरियाज़ में लगवाया है, जिसका कि हमने नाम भी ये लिखवाया द प्राइड ऑफ PCA हाशिम रज़ा, बिकॉज यू आर अवर प्राइड। और इसी कितने लोगों की वजह की ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से खुशियाँ आई हैं, और यही हमने चाहा कि हम सब चाहे कि तुम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, तुम एक बहुत टफ और हार्ड बैटल लड़ रहे हो, तो हमने कहा कि तुम कुछ शायद ना खुद से ना कर सको, लेकिन हम मौजूद हैं, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग्स, और हम कोई और काम करने के लिए जाएँ दुआएँ तो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम से चैरिटी के काम भी कर रहे हैं। तो हमने एक हैंडपम्प लगाया दोस्तों ने, हम लोगों ने मिल के, किसी भी टीम ने मिल के, सो दैट बहुत सारे लोगों के लिए दुआएँ तुम्हारे लिए के लिए निकल सकें। और मैं इस वीडियो के बाद तुम्हें वो वीडियो भी तुमसे शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर, जिसमें लोगों ने तुम्हारे लिए दुआएँ की हैं, बेशक वो सिंधी ज़बान में है, लेकिन उसमें उन्होंने तुम्हारे लिए दुआएँ की। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे भी और बाकी तमाम लोगों से भी कि तुम्हारे लिए सुबह शाम दिन रात दुआएँ करें। तुम्हें पता है मेरी बेटी अलाया वो भी कितनी दुआएँ करती है, उसको मैंने एक चीज़ रखवा दी है कि जब हाथ उठाती है तो यही कहती है अल्लाह मियां हाशिम चाचू को ठीक कर दो। चाचू हाशिम आमीन। फिर दोबारा से अल्लाह जी चाचू भी आते हैं, पहले कहें अल्लाह जी चाचू हाशिम आमीन आमीन गुड। तो प्लीज़ ब्रदर जल्दी से ठीक हो जाओ, ये बीमारी जो है ना विल पावर से ठीक होगी, अल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह ठीक करेगा। कम बैक एंड कम बैक वैसे ही जैसे तुम पहले थे, खुश रहो, आबाद रहो, सदियाँ तुम हज़ारों साल जियो। हाशिम रज़ा के अलाह वधाई दो असांखे नलका ॾिना अथई, मालड़े खे बछड़नि जा लटड़ा दऊं था, तड़ कयूं था, रब वधाईंदुसि, जेका बीमारी अथसि अलाह दूरि कंदुसि, इहो क़ुरान कंदो हच घुमंदो, रब लिंगे सूर न ॾींदुसि, असां ग़रीबनि यतीमनि खे ॾिनो अथई, अलाह वधाईंदुसि रब आया। उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।
बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। छाँव के जैसा रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बदल आवारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं।